नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शोक जताया है। पप्पू यादव ने कहा कि बुरे लोग तो बहुत दिन जिंदा रह जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, संघर्ष के प्रतीक, ऐसे विचारों के लोग अब कहाँ हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक पोस्ट का भी जवाब दिया। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोही का बयान है, उन पर मुकदमा होना चाहिए। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बात कही है, राजनीति अपरिपक्वता से नहीं चलती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम इकोनॉमी की, हम चुनाव की बात करेंगे, करना ही चाहिए। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है, महाराष्ट्र को टाला, वायनाड को टाला, कई विधानसभा के चुनावों को भी टाला जा रहा है, मतलब आपके अनुसार हो तो चुनाव हो और नहीं हो तो चुनाव नहीं हो, जो चुनाव हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो बात कही है वो सही ही कही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोगों के बीच जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है, हम अच्छा कर सकते हैं। राहुल गांधी जो देश की संभावनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि देश के आरक्षण को खत्म कर दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद या इस पोस्ट के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है। अब ऐसे में बिहार के अंदर चुनावी हालात काफी ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार के अंदर सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।